आज का हमारा टॉपिक है प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल कार्बोनिल कंपाउंड्स प्रिपरेशन ऑफ निकल टेट्राकार्बोनिल एन नि आई सी ओ फोर इसका प्रिपरेशन देखिए इट इज मेड अप बाय पासिंग कार्बन मोनोक्साइड ओवर फाइनली डिवाइडेड मेटेलिक निकल एट टेम्परेचर बिलो हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड यह हमारा निकिल है अगर जब हम इसका रिएक्शन कराते हैं फोर कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल से अंडर हंड्रेड डिग्री टेम्परेचर तो निकल टेट्राकार्बोनइल बनेगा निकल टेट्राकार्बोनइल इज ऑल्सो अपटेन फ्रॉम वेन कार्बन मोनोऑक्साइड इज पास थ्रू एन एल्किलाइन सस्पेंसन ऑफ निकल साइनाइड आर निकल सल्फाइड जब हम निकल डाई साइनाइड निकल सी एन टू प्लस फोर मॉलिकुल कार्बन मोनोऑक्साइड का रिएक्शन कराते हैं तो निकल टेट्राकार्बोनाइल हमें मिलेगा या तो सी टू एन टू और यहाँ पे निकल सल्फाइड के साथ भी अगर रिएक्शंस कराए चाहे निकल साइनाइड लीजिए चाहे निकल सल्फाइड लीजिए निकल सल्फाइड को जब फोर सी यू से रिएक्शंस कराते हैं तो निकल टेट्रा कार्बोनिकल मिलता है प्लस सल्फाइड बाय द यूनिवैलेंट निकल ऑन रिड्यूसिंग पोटेशियम टेट्रा साइनो निकलेट के टू एन सी एन फोर विथ पोटेशियम एमलगम अड सोल्यूशन इज अपटेंड फ्रॉम दिस सोलूशन पोटेशियम ट्राईसाइनो निकलेट के टू एन आई सी एन थ्री में भी आइसोलेटेड देखिए इसमें निकल प्लस वन में है और यहाँ पे निकल जो है प्लस टू में है दिस कंपाउंड्स एट जॉब कार्बन मोनोक्साइड एट नाइन्टी डिग्री सेंटीग्रेड प्रोबेबली फॉर्मिंग के टू एन आई सी एन थ्री सी ओ ऑन ट्रिएटिंग द सोलूशन ऑफ दिस कंपाउंड विथ यस सी एल निकल टेट्रा कार्बोनिल इज ऑफटेंड के टू एन आई सी एन थ्री सी ओ है उस प्लस इसको टू एस सी एल से हाइड्रोक्लोरिक एसिड से जब रिएक्शन कराते हैं तो निकिल टेट्रा कार्बोनिल्स अपटेंड होता है जिसमें निकिल प्लस जीरो स्टेट में होता है एंड के टू एन आई सी एन फोर मिलता है जिसमें निकिल प्लस टू स्टेट में होता है नाउ प्रिपरेशन ऑफ डाई मैग्नीज डाई मैग्नीज डेका कार्बोनिल्स डाई मैग्नीज डेका कार्बोनिल्स एम एंड टू सी ओ टेन एम एन टू सी ओ टेन इज अपन मैगनीज डाई आयोडाइड इज रिड्यूस्ड एट अ हाई प्रेशर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड बाई मैग्नीशियम इन डाईथइ ईथर द एल्ड ऑफ डाई मैगनीज डेका कार्बोनील इज ओनली वन परसेंट जब मैगनीज डाई मैगनीज डेका कार्बोनिल का जब हम मैगनीज डाईड डाई आयोडाइड से कराते हैं हाई प्रेशर पे इसका हाई प्रेस वे मैगनीज है प्लस इसको कॉपर आयोडाइड से रिएक्शन कराएंगे फाइव हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड पे तो हमें मिलेगा एम मैगनीज डाई आयोडाइड अब मैगनीज डाई आयोडाइड प्लस टू दो कॉपर प्लस मैग्नीशियम को आ, मैगनीश मैग्नीशियम है इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन मोनोक्साइड एट टू हंड्रेड टेन एटमोसफेरिक प्रेसर लेते हैं एंड ट्वेंटी फाइव डिग्री सेंटीग्रेड पर जब रिएक्शन कराते हैं तो मिलेगा डाई मैगनीज डे का कार्बोनिल Plus magnesium iodide and cup uh, cuprous iodide. And magnesium iodide and copper iodide. Dimaganese deca carbonyl has also been prepared in better yield by the reaction of magnesium cscco 2 with uh, triethyl aluminium under carbon monoxide at a pressure of 20 atmosphere at 100 degree centigrade for 5 hours. ये मैग्नीज का डाईसीडेट है उसका जब रिएक्शन हम सी टू एच फाइव का होल था एलुमिनियम से कराते हैं ट्राईथाइल एलुमिनियम से मैग्नीज डाई एसिडेट को जब ट्राईथाइल एल्यूमिनियम से रिएक्शन कराते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड से ट्वेंटी एटमोसफेरिक प्रेशर एंड हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड पर और फाइव आवर्स तक इसका रिएक्शन रखते हैं देन हमें मिलता है डाई मैग्नीज डे का कार्बोनिज द एल्ड ऑफ कार्बोनिज बाई दिस मेथड इस फिफ्टी थ्री से सिक्सटी परसेंट इस मेथड से जब डाई मैगनीज डेका कार्बोनिल का प्रिपरेशन करते हैं तो इल्ड जो है फिफ्टी थ्री से सिक्सटी परसेंट मिलता है कार्बोनिलेशन ऑफ मैगनीज क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ बेंजोफिन कैटली लाइक सी uh, सिक्स फाइव को होल्ट वाइज सी यू एन एट वन सिक्सटी फाइव डिग्री सेंटीग्रेड गिव्स थर्टी टू परसेंट इल्ड मैगनीज डाई मैगनीज डेका कार्बोनिल्स एम एन सी एल टू प्लस टू सिक्स एमएन सी एल टू प्लस टू सिक्स सी सिक्स का होल्ट वाइज सी ओ एन ए एन ए सी एल एंड होल्ड इसका फिर रिएक्शन हम कार्बन मोनोक्साइड से वन फोर्टी प्रेशर पे एंड वन सिक्सटी फाइव डिग्री सेंटीग्रेड पे कराते हैं तो डाई मैगनीज डेका कार्बोनिल्स होता है मोर रिसेंटली फोर्टी एट परसेंट एज ऑफ मैगनी डाई मैग्नीज डेका कार्बोनिल्स हैज़ बीन अपटेंड द कार्बुलेशन ऑफ मिथाइल साइक्लोपेंटा डाइनाइल मैगनीज डाई कार्बोनिल्स इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एट फिफ्टी ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वन ट्वेंटी फाइव डिग्री सेंटीग्रेड फॉर एट आवर्स इसका रिएक्शन जब सोडियम से कराएंगे कार्बन मोनऑक्साइड प्लस फिफ्टी एटमॉस्फेरिक एंड वन ट्वेंटी फाइव डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखते हैं तो ये बनेगा हमारा डाया मैगनीज डाई मैग्नीज डेका कार्बोनिल कंपाउंड प्रिपरेशन ऑफ आयरन पेंटा कार्बोनिल्स एफ फाइव आयरन पेंटा कार्बोनिल्स by the uh, prepared by the action of carbon monoxide of 200 degree centigrade it is prepared by the action of carbon monoxide of 200 atmospheric pressure on iron heated at 200 degree centigrade by the action of carbon monoxide at 200 atmosphere pressure and 200 degree centigrade of uh, uh, on iron iodide iron diiodide in the presence of copper विच एक्ट एज एन एसेप्टर फॉर आयोडाइड आयोडीन का एसेप्टर है इट इज थ्रू दैट आयरन कार्बन आयोडाइड अब आयरन सी ओ फोर का आई टू इज फर्स्ट फॉर्मड पहले क्या मिलेगा हमें आयरन एफ फी सी ओ फोर आई टू फल इसमें फॉर्मड होगा विच रिएक्ट विथ कॉपर इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन मोनॉक्साइड फिर ये क्या करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ कापर कार्बन मोनोक्साइड से रिएक्शन करके आयरन पेंटा कार्बोन बनाएगा एफ फी आई टू प्लस फोर सी ओ एफ फी सी ओ फोर आई टू देन कार्बन मोनोक्साइड प्लस सी ओ प्लस एफ फी सी ओ फोर आई टू प्लस कॉपर कॉपर के प्रजेंस में आयरन पेंटाकॉबोनिल्स बनाएगा इसका प्रॉपर्टीज क्या है आयरन पेंटाकॉबोनिल जो होता है एलो लिक्विड होता है विच इज सॉल्यूबुल इन मिठाईल एल्कोहल ईथर एस्टोन एंड बेंजीन और आयरन पेंटाकॉबोनिल इन सोलबुल एफ इन सोलबुल वाटर वाटर में इनसोल्यूबुल होता है ट्राई आयरन डोडेका कार्बोनिल्स ट्राई आयरन डोडेका कार्बोनिल्स क्या है एफी थ्री सी ओ ट्वेल्व इट इज प्रिपेयर बाई द डिप्रोपोसियोनेशन ऑफ ट्राई आयरन डोडेका कार्बोनिल्स और टॉलिज इट इज प्रिपेयर बाई द डिप्रोपोस्योनेशन ऑफ एफी टू सीओ नाइन और टोल टोलविन ऑफ़ एफ ई टू सी ओ नाइन इज हीटेड एट सेवेंटी डिग्री सेंटीग्रेड एफ फी टू सी ओ नाइन को जब सेवेंटी डिग्री पर हीट कर देंगे तो एंड ऑन कूलिंग ग्रीन क्रिस्टल ऑफ एफी थ्री सी ओ ट्व सेपरेट फ्रॉम द सोलूशन देखिए हम लोग क्या है आयरन एफ ई टू सी ओ नाइन है जब हम इसको हीट करते हैं हम लोग हीट करेंगे जब तो मिलेगा ट्राई आयरन डोडेका कार्बोनि एक ग्रीन कलर का क्रिस्टल्स मिलेगा बाई द ऑक्सीडेशन ऑफ एफ सी ओ फोर एच टू विध एच टू टू हाइड्रोजन ऑक्साइड मैगनीश डाइ ऑक्साइड थ्री एफ एच टू प्लस ट्राई आयरन डोका कार्बोनिल्स इसके प्रॉपर्टीज क्या है ट्राई ट्राई आयरन डोडेका कार्बोनिल्स फॉर्म्स डीप ग्रीन क्रिस्टल इसके डीप ग्रीन क्रिस्टल्स मिलेंगे विच आर सोलिबुल ऑर्गेनिक सोलवेंट ये सारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल है लाइक टॉलवीन एल्कोहल ईथर एंड नाउ प्रिपरेशन ऑफ डाइक कोबॉल्ट ऑक्टाकार्बोनिल्स डाइकोबॉल्ट ऑक्टाकार्बोनिल्स सीओ टू सीओ एट इट कैन बी प्रिपेयर बाई द रिएक्शन बिटवीन कार्बन मोनोक्साइड एंड रिड्यूज मिटैलिक कोबाल्ट एट टू हंड्रेड ट्वेंटी डिग्री सेंटीग्रेड एट टू फिफ्टी एटमोसफेरिक प्रेशर्स यहाँ क्या अगर टू कार्बन मोनोक्साइड टू कोबॉल्ट प्लस एट कार्बन मोनोक्साइड लेंगे टू फिफ्टी एटमोसफेरिक प्रसर पर टू हंड्रेड ट्वेंटी डिग्री सेंटीग्रेड पे तो मिले बनेगा डाई ऑक्टा कार्बोनिल सी ओ टू सी ओ एट

तो आ, मिले बन रहा है डाइक कोबोल्ट ऑक्टा कार्बोनिल वैसे ही कोबाल्टलाइड्स का रिएक्शन जब कोबाल्ट कार्बन मोनोक्साइड प्लस कॉपर से करते हैं तो भी डाइ कोबोल्ट ऑक्टा कार्बोनिल्स मिल रहा है बाई द एक्शन ऑफ कोबाल्ट एंड यश टू ऑन कोबॉल्ट सी ओ सी ओ थ्री कोबोल्ट और, गोबोल्ट, गोबोल्ट, गोबोल्ट का अंडर हाई टेम्परेचर कोबाल्ट कार्बोनेट प्लस टू एच टू प्लस एट जो है कार्बन मोनोक्साइड है इसको टू फिफ्टी से थ्री हंड्रेड एटमोस्फेरिक प्रेशर पे एंड वन हंड्रेड ट्वेंटी टू टू हंड्रेड ट्वेंटी डिग्री सेंटीग्रेड पे जब रिएक्शंस कराएंगे तो कोबाल्ट टू सी ओ एट डाई कोबाल ऑक्टा कार्बोन प्रिपेयर हो जाएगा <coughs> डाइकोबॉल्ट ऑक्टा कार्बो डाइकोबॉल्ट ऑक्टा कार्बोनिल इज एन ऑरेंज ब्राउन क्रिस्टलाइन सर्विस्टेंस ये होता है ऑरेंज ब्राउन क्रिस्टेलाइन सबिस्टेंस हैविंग मेल्टिंग पॉइंट फिफ्टी वन डिग्री सेंटीग्रेड इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होगा फिफ्टी वन डिग्री सेंटीग्रेड होगा इट इज सॉल्यूबुल इन एल्कोहल ईथर एंड सी सी एल फोर कार्बन सी सी एल फोर में द कार्बोनिल इन एयर सेंसिटिव बो इसका जो कार्बोनिल कंपाउंड होता है ये एयर सेंसिटिव है